हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये वाला बूट बनाना सिखाऊंगी। ये बूट मैंने 3 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे के लिए बनाया है। ये इसके लिए मैंने 48 फंदे डाले हैं, 48, और उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने आगे डिज़ाइन डाला है, जहाँ मैंने फंदे बढ़ाए हैं, जहाँ जाली डाली है, फिर मैंने ये उल्टी उल्टी लाइनें बनाई है और उसको बंद किया है। तो आज मैं आपको ये वाला बूट बनाना सिखाऊंगी। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम ये बूट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 48 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इसको 10 नंबर पे बुनूंगी, 10 नंबर पे। तो इसके लिए मैंने बॉर्डर बनाना है, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे। तो दो इसके मैंने 6 सिलाइयाँ बनानी है, 6 सिलाई। तो देखिए, मैं 6 सिलाइयाँ बनाने जा रही हूँ। मैंने वैसे बॉर्डर स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। दो सीधे, दो उल्टे, ऐसे दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे। बस ऐसे ही आपने पूरा बॉर्डर बनाना है और 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनानी है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब मैं इसका हाफ करूँगी। हाफ फंदे करने के बाद इसमें सीधी सिलाई बुनूंगी, पहले बिल्कुल सीधी। बॉर्डर के बाद 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की हैं और मैं अब सीधी सिलाई बनाऊंगी। और इसका मैं हाफ करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 23 फंदे इधर रखे हैं, 23 फंदे इधर रखे हैं। बीच वाला जो फंदा है, इस पे मैं जाली डालूँगी, ऐसे थ्रेड को अपनी तरफ करूँगी और सीधा बुनूँगी। उसके साथ में फिर जाली डालूँगी, बाकी के फंदे मैं सीधे बुन लूँगी, ऐसे हाफ हाफ करके जाली डाल ली है, एक फंदे के इधर और इधर। अब मैं उल्टी सिलाई बुन के आपको सीधी सिलाई पे डिज़ाइन बताऊंगी। उल्टी सिलाई बुन के सीधी पे डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई भी बुन ली है। अब ये देखिए, मैंने जहाँ जाली डाली है, अब मैं ये डिज़ाइन भी डाल लूँगी, ये वाला डिज़ाइन। लेकिन साथ में जो ये जाली डाली है, इसके साथ में दो फंदे सीधे चलते हैं। मैं पहले वो दो फंदे इधर जाली के साथ छोड़ लूँगी, दो फंदे जो सीधे चलेंगे। चार चार फंदों का डिज़ाइन है, चार, फिर चार, फिर चार, चार और चार। एक फंदा मैं सीधा बिना बुने उतार लूँगी। अब मैं डिज़ाइन डाल लूँगी इसको। दो चार चार फंदों का डिज़ाइन है, तो बीच वाले दोनों फंदों को मैंने बाहर निकालना है, ऐसे। पहले बीच वाला फंदा बुनूंगी, फिर उसके आगे वाला बुनूंगी, फिर इसको भी बाहर निकालना है। तो एक बार आगे से बुना, एक बार पीछे वाला फंदा बुना और फिर आगे वाला फंदा बुना, ऐसे डिज़ाइन डालूंगी। फिर मैं पहले आगे वाला फंदा, पीछे वाला फंदा बुनूंगी। फर्स्ट में जो दो फंदे हैं, आगे से सीधी सिलाई से बुनूंगी, ऐसे। फिर मैं दूसरे को भी बुन लूँगी,
फिर मैं पीछे पीछे से फंदे को बुनूंगी, पीछे से, पीछे से बुनूंगी, फिर आगे वाला बुनूंगी। ये चार फंदों का डिज़ाइन हो गया। फिर मैं चार फंदों में से पहले इसको बुनूंगी सीधी तरफ से, फिर दूसरे को बुनूंगी और उतार दूंगी, फिर मैं पीछे से बुनूंगी पहले, फिर दूसरा फंदा बुनूंगी फिर वही, हर बार चार सिलाई पे डिज़ाइन, चार फंदों का डिज़ाइन है। तो मैं पहले एक फंदे को बुन लूँगी, फिर पीछे से बुन लूँगी पहले ऐसे। फिर सेकंड वाले ऐसे बुन लिया, चार चार फंदों का डिज़ाइन हो गया। अब मैं दो फंदे सीधे बुनूँगी, दो, एक, दो। अब मैं जहाँ पे जाली डाल लूँगी बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे, एक, दो और तीन हो गए। और जहाँ फिर मैं जाली डाल लूँगी जहाँ पे, दो फंदे सिंपल बुनूँगी। अब फिर मैं डिज़ाइन डाल लूँगी, तो चार फंदों का डिज़ाइन है, तो मैं इस फंदे को पहले बुनूँगी ऐसे, फिर उसके फर्स्ट वाले को बुनूंगी। अब मैं पीछे से बुनूंगी पहले, दो फंदों को पीछे से बुनूंगी, फिर आगे वाला भी बुन लूंगी और फिर कुछ नहीं करना है, साथ के साथ ही फिर आगे वाले फंदे को बुनना है। एक बार आगे वाले को, एक बार पीछे वाले फंदे, पीछे से। लास्ट में एक फंदा कम है, तो मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी ऐसे, और क्योंकि 48 फंदे थे तो हमें 47 रखने थे ऐसे, एक बढ़ा लिया तो 4 का डिज़ाइन डल गया। अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनूँगी। अगर फंदा कहीं कम हो जाए तो आप बढ़ा लीजिए, ज़्यादा हो जाए तो घटा लीजिए, लेकिन जो बुनती का डिज़ाइन है वो बिल्कुल ठीक आना चाहिए ऐसे। मैं उल्टी सिलाई बुन के फिर सीधी पे बताती हूँ कि देखिए मैंने उल्टी सिलाई भी बना ली है। अब हम इस डिज़ाइन को कवर करेंगे, चार सिलाइयों का डिज़ाइन है। अब मैंने सीधा फंदा उतार लिया है। अब ये डब्बी आपको दिख रही है चार फंदों की, अब मैं इस वाले फंदे को बीच में लेके आऊँगी और इस वाले फंदे को आगे। तो आगे लाने के लिए मैं पीछे से बुनूँगी, फिर आगे बुनूँगी ऐसे, फिर मैं इसको आगे लेके आऊँगी दूसरे को, आप पहले बुनूँगी और फिर ऐसे। तो ये डिब्बी बंद हो गई, ये देखिए। अब मैं फिर वही करूँगी, इस फंदे को बीच में लाऊंगी और इस फंदे को भी बीच में, दोनों को बाहर निकाल लूंगी। इस फंदे को बीच में लाने के लिए मैं पीछे से बुनूंगी, फिर इसको आगे से बुनूंगी। अब इसको दिख रहा है आपको, इसको मैं अंदर लाना है, तो मैं आगे से बुनूंगी ऐसे, तो डिब्बी बंद हो जाएगी। फिर वही करना है चार फंदों का, पहले मैं पीछे से बुनूंगी अब,
फिर आगे वाला बुनूंगी, फिर फर्स्ट से बुनूंगी। बस यही ध्यान रखना है कि आपने डिब्बी ऐसे लानी है। फिर वही पीछे से बुनूंगी और इसको फिर अंदर लाऊंगी। ऐसे आपने बनाना है। फिर वही पीछे से बुनूंगी, फिर इसको बुनूंगी और फिर ये आगे वाला बुनूंगी, फिर इसको बुनूंगी। अब दो मैं सिंपल बुनूंगी जो मैंने जाली के साथ रखे थे, एक और दो, जहाँ मैं जाली डाल लूंगी और फंदे बढ़ जाएंगे, एक दो। लेकिन अब मैं जहाँ पे एक के तीन करूंगी, एक दो फिर तीन, एक फंदे के मैंने तीन कर दिए क्योंकि जाली के बाद पांच फंदे हो गए थे। दो फंदे मैंने सिंपल बुने, एक का मैंने तीन किया, दो सिंपल बुन लूंगी और फिर जहाँ जाली डाल दूंगी और दो सीधे प्लेन बुनूंगी। और आगे फिर वही डिज़ाइन है, चार फंदों का। इस फंदे को अंदर लाऊंगी, इस फंदे को भी अंदर लाऊंगी। तो कैसे, पहले पीछे से बुनेंगे, फिर आगे वाला बुनेंगे, फिर आगे वाला बुन के इसको बाद में बुनेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। ऐसे पहले बाहर निकाला था हमने, फिर अंदर को कर लिया, तो जो ऐसे डिज़ाइन बनता है। तो मैं ऐसा डिज़ाइन आपको बना के फिर जहाँ कप बढ़ाने हैं वो दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाद उल्टी सिलाई आएगी, फिर दो बीच में प्लेन सिलाइयाँ आएंगी, दो प्लेन सिलाइयाँ। ये डिज़ाइन बन गया है, दो प्लेन सिलाइयाँ आएंगी और आगे जाकर दो सिलाइयों के बाद फिर ये बढ़ेगा। जहाँ पे ये बढ़ चुका है, अब जहाँ से बढ़ाएंगे तो मैं बढ़ा के दिखाती हूँ। ये देखिए डिज़ाइन बन गया है ये वाला। अब दो सिलाइयाँ मैं सीधी उल्टी प्लेन बनाऊंगी, पूरी सीधी और उल्टी दो सिलाइयाँ प्लेन बनाऊंगी। जो मैंने बीच में फंदे तीन बढ़ाए थे, ये देखिए वो मैंने तीनों बुन लिए हैं, फंदे और बढ़ गए हैं, जाली वाले तो बढ़ने ही हैं। अब मैं दो प्लेन सिलाइयाँ बना कर फिर आगे डिज़ाइन वाली सिलाई पे आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने दो सिलाइयाँ प्लेन बना ली हैं। अब मैं जहाँ पे भी बढ़ाऊँगी एक फंदे के तीन करूँगी, तो जहाँ मैं डिज़ाइन डाल लूँगी एक सिंपल बुनूँगी, फिर वही डिज़ाइन शुरू करूँगी। पहले फंदे को, दूसरे फंदे को बाहर निकाल लूँगी, फिर पीछे से फंदा बुनूँगी, फिर फर्स्ट फंदे को बाहर निकाल लूंगी, सेकंड फंदे को पीछे से बुनूंगी। ऐसे फिर सेम वही डिज़ाइन जो मैंने बताया है वही बनाऊंगी, और जहां आकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने डिज़ाइन डाल लिया है। अब मैं दो प्लेन जो फंदे मैंने रखे थे जाली के साथ वो बुनूंगी। ये देखिए मैंने जहाँ जाली नहीं डाली थी, लेकिन अब मैंने जहाँ जाली बनानी है तो कैसे बनाऊंगी, मैं इसी को फंदे को, इस फंदे को, दो दो लाइनें हैं तो इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल कर जाली बना लूंगी, तो फंदा भी बन गया और जाली भी बन गई। अब मैं हाँ, तो देखिए मैं अब जहाँ बल डाल के जाली डाल लूँगी और ये फंदे बुन लूँगी बीच वाले जो हैं, और जहाँ पर आकर मैं फिर जो बीच में फंदा है, एक तो इस पे एक का तीन किया था,
अब इसी के ऊपर जाकर एक का तीन करूंगी, इसी लाइन में एक का तीन, एक बार बुन लिया, दो बार और फिर तीन बार, एक में से ही तीन फंदे निकाल लिए। उल्टी सिलाई में मैं इसको तीनों को अलग अलग बुनूंगी, फिर आगे के फंदे हैं वैसे ही बुन लिए, फिर जहाँ आके जाली डालनी है, जहाँ जाली डालनी है वहाँ जाली डालनी है, और दो फंदे प्लेन बुनने हैं और आगे डिज़ाइन डालना है, फिर वही दो फंदों को बीच वालों को बाहर निकालना है। तो ऐसे ऐसे एक को पहले आगे से किया, फिर दूसरा बुना, फिर पीछे से किया, पीछे से बुना, तो ऐसे आपने जाली डालनी, सेम ऐसे डिज़ाइन डालना है। मैं डाल के डिज़ाइन और उल्टी सिलाई बनाती हूँ। अब मैं फिर डिज़ाइन बन गया है, अब इस डिज़ाइन को मैं कवर करूँगी और ये सिंपल बुनूँगी जहाँ पे। फिर जब नेक्स्ट सिलाई आएगी तो एक सीधी एक उल्टी, उसमें जहाँ फिर बढ़ाने हैं मैं आपको बताऊँगी। अब इस डिज़ाइन को मैं कवर करके सीधी फिर उल्टी, चार सिलाइयाँ डिज़ाइन की हैं, मैं वो बनाऊँगी। दो मैंने बना ली हैं, दो और हैं। ये देखिए डिज़ाइन दोनों लाइनें हो गई हैं। फर्स्ट ये है, ये वाली, और सेकंड ये, दो डिज़ाइन की लाइनें हैं। अब मैं एक सीधी और एक उल्टी बीच में प्लेन सिलाई बुनूँगी। डिज़ाइन हमारा कवर है, मैं जहाँ तक बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ जाली डालनी है और बीच में जाकर फंदे को बढ़ाना भी है, एक बार और, दो बार मैं बढ़ा चुकी हूँ, अब तीसरी बार बढ़ाना है। तीन फंदों के बीच में जैसे जहाँ से बढ़ाया था, जहाँ, फिर जहाँ, और अब जहाँ, दो फंदे और बुनूंगी, अब जहाँ बढ़ाऊंगी। ये मैंने दो सिलाई प्लेन बनाने के बाद बढ़ाया था, फिर दो सिलाई बीच में प्लेन आनी चाहिए, फिर बढ़ाया था, फिर बीच में दो सिलाई प्लेन आई, तो तीसरी सिलाई में जब आए तो तब हमने इसको बढ़ाना है। एक, दो, एक फंदे में से ही तीन निकालने हैं, बाकी के फंदे हमने प्लेन बुन देने हैं जो बीच में हैं। प्लेन बुनने के बाद वहाँ जाकर फिर जाली डालनी है। ये देखिए जहाँ आकर जाली डालनी है, तो बाकी की सीधी सिलाई ही बनानी है और एक उल्टी बनानी है। फिर हमने ये डिज़ाइन तीन बार हो गया है, एक, दो, तीन, और एक सीधी सिलाई, एक उल्टी, उसके बाद हमने लाइनें डालनी है। वो कैसे डालनी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार है, बन के ऊपर का पैर है, ये ऊपर का पैर बन गया है। ये ऐसे हम बंद करेंगे, ऐसे ये डिज़ाइन नज़र आएगा, और ये बढ़े हुए फंदे हैं, एक में से तीन तीन निकाले हुए तीन बार, तो ये बनकर ऐसे दिखेगा। अभी हम सीधी सिलाई पे हैं, उल्टी सिलाई पूरी बुनकर फिर हमने लाइनें डालनी है ये वाली, लेकिन हमने जहाँ आकर फंदों को पहले लाइनें डालनी है फिर घटाना है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। एड़ी के भी हमने जहाँ आकर तीन तीन लाइनें बुन के फिर घटाई डालनी है, तीन लाइनें बुनकर एक, दो, तीन, फिर थोड़ी सी घटाई डालनी है। तो मैं आपको जो सीधी और उल्टी बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दो उल्टी लाइनें बना ली हैं, अब मैं तीसरी उल्टी लाइन बना रही हूँ। तो मैं बीच में आकर तीन बार फंदे कटाऊँगी, तीन तीन बार दो दो फंदों को स्लिप करूँगी, एक बार, दो बार, दो का एक, तीन बार, दो का एक, ये शेप दूंगी मैं तीन बार। उल्टी सिलाई प्लेन बुनूंगी, उल्टी सीधी पे आकर सिलाई उल्टी ही होगी, लेकिन मैं फिर तीन बार स्लिप करूंगी,
फंदों को घटा दूंगी और इस सिलाई के एंड में जाकर एड़ी की जो घटाई है वहाँ मैं दो का एक करूँगी। मैं करके बताती हूँ, ये देखिए एंड में मैं दो का एक करूँगी। और जब ये सिलाई उल्टी मैं बुनूँगी इसके भी एंड में जाके दो का एक करूँगी। दो बार इधर से दो का एक करूँगी, दो बार इधर से करूँगी, एक बार कर दिया है, एक बार और करूँगी। ये देखिए एंड में जाकर दो का एक करूँगी। फिर राइट साइड है, राइट साइड अब मैं फोर्थ लाइन में आ गई हूँ, 1 2 3 अब फोर्थ लाइन में हूँ, तो इसमें भी आकर मैं आपको लाइन उल्टी ही बना, मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं तो आपने भी उल्टी उल्टी बनानी है। जहाँ आकर मैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन है। अब मैंने जहाँ तीनों को दो का एक दो का एक दो का एक किया था, अब मैं फर्स्ट से स्टार्ट होकर दो का एक करूँगी, फिर दो का एक करूँगी और लास्ट में फिर तीन में तीन बार दो का एक करूँगी, तो ऐसी शेप आएगी है। बाकी के सिंपल फंदे बुन दूँगी उल्टे और एंड में जाकर दो का एक करूंगी। तो देखिए ये देखिए ये 1 2 3 4 अब मैं 5 और 6 लाइन सिंपल बुनूंगी। अब 32 फंदे इधर हैं, 32 इधर हैं, 62 फंदे हैं टोटल, तो 32 और 32 62 64, तो 64 फंदों को हम फिर सिलाई करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी जे मेरी दो लाइनें और आएंगी, तीन, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मैं 6 लाइनें पहले बना लूं, 2 4 5। अब ये सारी सिंपल, कहीं घटाना नहीं है और ना ही कहीं बढ़ाना है, ना ही घटाना है, सिंपल आप लाइनें बुन दीजिए। ये देखिए मैंने 7 लाइनें बना ली हैं, 2 4 6 और 7। अब मैं इनको इनकी सिलाई करूँगी, तो कैसे करूँगी, पहले भी मैंने पंजाबी जुत्ती बनाई थी तो उसमें मैंने बता रखा था। मैं इन फंदों का हाफ़ कर लूँगी, 32 इधर हैं, 32 इधर हैं, मैं पहले हाफ़ कर लूँगी, तो मैं हाफ़ करके आपको बताती हूँ। ये देखिए 32 इधर हैं और 32 इधर हैं, तो मैं इन वाले फंदों को आराम से पहले उतार लूँगी और दूसरी सिलाई पे ले लूँगी। अगर आप नहीं उतार सकते तो सुई की सहायता से उतारिए, वैसे आराम से उतार के आराम से उठाओगे, आहिस्ता से तो उठ जाएंगे क्योंकि थ्रेड इधर है। अब मैं ऐसे सिलाई करनी है तो इसका मुंह इधर है, अब मैं क्या करूँगी, इसका मुंह भी इधर लाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, ये भी फंदे उतार के जहाँ से उठा लूँगी इधर को आराम से प्यार से, जैसे नन्हे बच्चे को पकड़ते हैं ऐसे ऐसे उतार लिया। अब मैं इधर को मुंह आ गया इसका थ्रेड का, अब मैं इधर से सिलाई करके इधर इस तरफ आऊँगी, सिलाई इधर से होएगी और इस तरफ आऊँगी, तो मैंने क्या करना है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये देखिए जब हम सिलाई करेंगे तो नीचे वाले भाग में पता नहीं चलता कि ऐसे सिलाइयाँ बुनी हैं, जाके सिलाई की है, जबकि सिलाई ये है बीच में, ये देखिए ये बीच में सिलाई आ रही है ना, तो ऐसे ज़्यादा करेंगे तो दिखेगी, वैसे ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं दिखेगी। तो ये प्यारी सी बूटी हमने बनानी है, ये 4 साल के बच्चे को भी आ जाएगी, 3 साल से लेकर 4 साल के बच्चे को आ जाएगी, तो मैं आपको बताती हूँ बंद कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, एक फंदा पीछे वाला लेना है, एक फंदा आगे वाला, और दोनों का एक करना है,
ऐसे कर दिया, उतार दिया। फिर हमने पीछे वाला लेना है फंदा, आगे वाला, और दोनों को बुनना है और उतार देना है। अब उतार दिया, कई लोग आगे से भी कर लेते हैं इसको ऐसे ऊपर से, लेकिन मैं पीछे से करती हूँ बुन के। तो मैंने दो का एक किया और ऐसे सिलाई लेती हूँ और आगे ले आती हूँ। तो मैं ऐसे, मुझे थोड़ा इजी लगता है, जैसे आपको इजी लगे, आसान लगे, वैसे ही आप इसको कवर कीजिए। पीछे का फंदा लेके आगे का दोनों का एक कीजिए और ऊपर से निकाल दीजिए ऐसे। जब ऐसे सिलेंगे ना तो टाइट सिलना है ना ही लूज़। लूज़ ही सिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, टाइट सिलेंगे तो जहाँ खींच पड़ेगी, जहाँ पे जैसे मैंने ये उतारा है पता ही नहीं चल रहा लूज़ है, और इतना टाइट टाइट हो तो खींचा नहीं जाता, ऐसे स्टिचेबल नहीं आता। तो आपने बड़े आराम से एक एक उस स्लाइस से लेना है फंदा और एक इससे, और दोनों को घटाना है ऐसे और ऊपर से निकाल देना है। तो ऐसे आपने सिलाई करनी है। तो मैं ये सिलाई करके बताती हूँ। जब हम ये सिलाई कर लेंगे पूरी जहाँ तक, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे, इसकी और इसकी। ये एड़ी का पीस है, एड़ी का मैंने घटाई डाली थी दो बार, एक बार दो बार, दो का एक किया तो ऐसी शेप आ गई है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। हम इसकी भी सिलाई करूँगी, फिर मैं सिलाई करके आपको बताती हूँ। मैं एक बात और आपको बता देती हूँ, अगर आपसे ये बंद करने में टाइट आती है, हाथ टाइट है, तो जैसे मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं, तो आप यहाँ 9 नंबर की सिलाई से बंद कर सकते हैं, 9 नंबर या 8 नंबर की सिलाई से भी बंद कर सकते हैं। अगर हाथ ज़्यादा लूज है आपका, तो आप, अगर मैंने 10 नंबर पे बनाया है, हमने 10 नंबर पे बनाया है, तो आप 10 से पहले 11 नंबर या 12 नंबर पे बंद कर सकते हैं, अगर आपका हाथ लूज है ज़्यादा। अगर टाइट है तो इससे मोटी सिलाई लगा के बंद कर सकते हैं, तो बड़े आराम से बन जाएगा। तो मैं बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इस थ्रेड को सुई में डाल के इसी के अंदर ही कवर कर दूंगी। ऐसे इसी के अंदर इसको कवर कर दूंगी, बस इसको थ्रेड को काट देंगे। अब मैं इधर वाली सिलाई करूंगी, जो जे सिलाई है। अब इसकी सिलाई करके मैं बताती हूँ। ये एड़ी की शेप है, ये आगे का भाग है, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ सिलाई करके। ये देखिए मैं सीधा ही, सीधी तरफ से ही सिल देती हूँ। एक पीस इधर से लिया और दूसरा इधर से चेन वाला, फिर इधर से लिया इधर वाली चेन और सिल दिया, फिर इधर वाला लिया। मैं तो ऐसे ही सिलती हूँ तो ठीक आ जाता है। जी जी, ऐसे आप सिल दीजिए, मैं पूरा सिल के बताती हूँ। जी देखिए मैंने सिलाई कर दी है। तो ये बनकर ऐसे लगेगा। ये बॉर्डर है, दो सिलाइयाँ प्लेन है, फिर डिज़ाइन है, फिर डिज़ाइन है, बीच में दो सिलाइयाँ प्लेन है, फिर डिज़ाइन है, फिर दो सिलाइयाँ प्लेन है, और ये 7 सिलाइयाँ हैं इधर की, 2, 4, 6 और 7, और 7 ही ये है क्योंकि हमने डबल करके इसको जोड़ा है। तो ये बनने के बाद इसकी शेप ऐसी आएगी। जी
ये बनकर रेडी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो 3 से 4 साल तक बच्चे को आराम से आ जाता है, 4-5 साल तक आराम से आ जाता है, तो आप बनाइए अपने बच्चों के लिए। थैंक यू।